सभी लोग आपको देख रहे हैं, कुछ सुबह से खड़े हुए हैं, पर ये हड़ताल तो है, वो बात अलग है। और ये रोज का यही काम है, सुबह लोग 8 बजे खड़े रहते हैं, कई बार 3-3, 4-4 बजे तक खड़े रहते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं, मतलब बाद में आते हैं तो कमिटी करते हैं, तो फिर क्या करेगा, जो सुबह से आए थे दूर को 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से आया ना, तो वो क्या करेगा, सुबह कैसे जाएगा अभी शाम को, इसलिए ये होना चाहिए कि मतलब रेगुलर डॉक्टर वहाँ पर मिलना चाहिए अपनी सीट पर। हम तो सुबह 8 वाली बस से आए थे, सुबह से खड़े हैं, और दिक्कतें कल भी आए थे, हम कल भी छुट्टी पे थे, आज तो नहीं है छुट्टी पे, आज ये आए नहीं, कल हम 12 बजे तक हमने इंतजार किया, फिर लगाए ना बोर्ड छुट्टी, आज तो हम 8 बजे आ गए थे। तो क्या मानते हैं डॉक्टर हड़ताल पर हैं, क्या कुछ दिक्कत नहीं, कुछ बताए नहीं सर, कोई भी हमारा सरकार से ही अनुरोध है कि पहले सरकार से बातचीत हुई थी, सरकार ने इस चीज पे एग्री किया था कि जो नई नियुक्तियां होंगी उसपे एनपीए दिया जाएगा, और पुरानी में भी नियुक्त किया जाएगा, नई में भी दिया जाएगा, पर नई नियुक्ति होने अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। तो सरकार से एक तो ये अनुरोध है कि वो एनपीए जो है, हमारे नए जो अपॉइंटिंग है उनको एनपीए दिया जाए, और दूसरा है कि इसमें एश्योर्ड कैरियर स्कीम दी जाए 4-9-14, वो बहुत जरूरी है डिपार्टमेंट के प्रोग्रेशन के लिए, और तीसरा है कि काफी टाइम से डीपीसी नहीं हुई है, और वो कई जो इम्पोर्टेंट पद है वो खाली है, और विभाग के सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए डीपीसी की जाए, और पुरानी सेवानिवृत्त ऑफिसर्स को रीएम्प्लॉय ना किया जाए, उसकी जगह जो हमारे ऑलरेडी हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो ये हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, उसमें सरकार जल्दी से संज्ञान ले। सर जिस तरह से काफी समय से आप लगातार हड़ताल जारी है, पहले ब्लैक मैच में रख दिया, ट्रेंड डाउन स्ट्राइक है, अगर फिर भी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला क्या कदम है? हम सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर हम आगे और इसको इंटेंसिफाई करेंगे ताकि सरकार जो है वह हमारी बात सुने। मैडम आज से डॉक्टर्स की स्ट्राइक है 12 बजे तक, और किन मांगों को लेकर आपकी स्ट्राइक है, और इमरजेंसी वार्ड क्या खुला है या हमारे कुनिहार चिकित्सालय में? आज से यानी कि 20 फरवरी से पूरे हिमाचल में डॉक्टर्स की 9:30 से लेकर 12 बजे तक पेंडाउन स्ट्राइक होगी, क्योंकि शायद लोगों को पता ही है कि डॉक्टर्स काले बैचेस लगा के 19 जनवरी से ऑलरेडी स्ट्राइक पे हैं। तो इसमें एसोसिएशन की सरकार से कुछ मांगे थी, जैसे कि नए डॉक्टर्स को एनपीए ना मिलना, डीपीसी रोकी जाना, और जो इंक्रीमेंट स्केल है जैसे कि 4-9-14 वो ना मिलना, और भी बहुत सारी मांगे हैं जो एसोसिएशन ने टाइम टू टाइम सरकार से की है, परंतु जब कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं आया तो एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि सभी डॉक्टर्स 9:30 से 12 बजे तक ये पेंडाउन स्ट्राइक करेंगे, और इसके दौरान कोई भी रूटीन जनरल ओपीडी नहीं देखी जाएगी और कोई रूटीन ओटी नहीं चलेगा, परंतु इसके दौरान जो भी इमरजेंसी पेशेंट आएंगे या फिर कोई इमरजेंसी ओटी रहेगी तो वो जरूर अटेंड की जाएगी। ये स्ट्राइक हुए हिमाचल में चल रही है, और हम भी यही चाहते हैं सरकार से, सभी डॉक्टर्स की यही मांगे हैं कि कृपया इसके इस पर गौर किया जाए, और
जो डॉक्टर्स की मांगे हैं उनको पूरी करने की रिक्वेस्ट करेगी सरकार से। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।